बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड के चारों धाम के कपाट खुल गए हैं और चार धाम यात्रा अब पूरे उत्साह के साथ चल रही है। सरकार के तय मानकों से ज्यादा यात्री प्रतिदिन आ रहे हैं, यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार का पूरा ध्यान चंपावत चुनाव में है और चार धाम यात्रा की व्यवस्था पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ सरकार अपेक्षा कर रही थी उतनी भारी भरकम तैयारियां नहीं हो पाई, तैयारियां हो पाई तो चंपावत उपचुनाव की। पूरी सरकार का पूरा शासन प्रशासन का जो फोकस है वो चंपावत उपचुनाव है। चारधाम यात्रा को तो कोई गंभीरता से ले ही नहीं रहा है। जैसे बानगी के तौर पर मैं आपको बताऊं तो यात्रियों के संग अभद्रता की जा रही है, यात्रियों के साथ मारपिटाई की जा रही है, जिसके वीडियोज वायरल हो रहे हैं। खास करके हरिद्वार जिले में तो 2 से 4 वीडियोज वायरल हुए हैं जहां यात्रियों के साथ बहुत बहुत हद तक लोगों ने बदतमीजियां करी हैं। तो ऐसे में क्या संदेश उत्तराखंड का जाएगा? तो आइए ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से हमारी संवाददाता एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी ज्योत्सना, कांग्रेस ने आरोप लगाया है सरकार पर कि वो सिर्फ चंपावत चुनाव पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रही है, चार धाम के यात्रा खोल दिए गए हैं, सरकार का उस पर कोई ध्यान ही नहीं है। देखिए, 3 मई से उत्तराखंड के जो चारों धाम थे वो खुलने शुरू हो गए थे। 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले थे, 6 को केदारनाथ और आज बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। सरकार को जिस तरीके से उम्मीद थी कि इस बार बहुत ज्यादा उत्साह चार धाम यात्रा के लिए होगा, उसी तरीके से लोग हजारों की संख्या में आ रहे हैं। सरकार ने क्राउड मैनेजमेंट के लिए नंबर भी फिक्स कर दिया था कि एक दिन में 15,000 लोग बद्रीनाथ आएंगे, 12,000 केदारनाथ आएंगे, 7,000 गंगोत्री आएंगे, 4,000 यमुनोत्री आएंगे, लेकिन इस संख्या से ज्यादा, कई गुना ज्यादा लोग प्रतिदिन इन धामों में आ रहे हैं। आप सोचिए कि केवल 2 दिन हुए हैं केदार धाम को खुले हुए और 40,000 से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। ये संख्या वो है जो रजिस्टर्ड है। इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जो रजिस्टर्ड नहीं थे, वो भी यानी स्थानीय लोग जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था लेकिन वो दर्शन करने गए, यानी कि 40,000 का आंकड़ा भी क्रॉस है। अगर केदारनाथ धाम की बात करें तो वहाँ जरूर लोगों को अव्यवस्था का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो वहाँ पर संसाधन है, जो व्यवस्थाएं हैं, उससे बहुत ज्यादा यात्री वहाँ पर आ गए। आप सोचिए कि कड़ाके की ठंड में 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई थी, यात्रियों को बहुत मुश्किल से दर्शन करने का मौका मिल रहा था, मौसम सही नहीं था, बारिश हो रही थी। और ऐसा ही आज बद्रीनाथ में भी है कि बद्रीनाथ में ये बताया जा रहा है कि 25,000 से 30,000 लोग ओपनिंग में थे, यानी कि कैपेसिटी वहाँ 20,000 की मैक्सिमम है और उससे ज्यादा लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं अव्यवस्था होती है। हालांकि उत्तराखंड के डीजीपी खुद केदारनाथ बद्रीनाथ में मौजूद हैं, लगातार जरूरी हिदायत दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब जरूरत से ज्यादा संख्या आ रही है और 2 साल बाद इस तरीके का सैलाब उमड़ कर आ रहा है चारधाम में, तो सरकार की जो अभी तक की व्यवस्थाएं थी वो नाकाफी साबित कई जगह नजर आ रही हैं। हालांकि सरकार ने सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सड़क के लिए काफी कुछ प्रबंध किए हुए हैं, लेकिन लोग लगातार आते जा रहे हैं और सरकार का जो क्राउड मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों की संख्या ज्यादा होने के कारण चरमरा भी जा रहा है। तो ज्योत्सना, ये जो तय मानक से ज्यादा श्रद्धालु अगर वहां पर पहुंच रहे हैं तो वाकई में सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं या कुछ इनके लिए ध्यान, किस तरीके का सिस्टम बनाया जाएगा आगे? देखिए, चारधाम यात्रा को खुद मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटर कर रहे थे, हर स्तर पर चारधाम यात्रा को लेकर तैयारी की गई, क्योंकि आप भी जानती हैं कि 2 साल कोविड के थे और जो ओपनिंग सेरेमनी थी वो सिंबॉलिक हुई। ओपनिंग सेरेमनी के बहुत ज्यादा धार्मिक मायने होते हैं और लोग आना चाहते हैं ओपनिंग सेरेमनी में कि कपाट खुलते हुए और खुलने के तुरंत बाद वो अपने आराध्य के दर्शन करें। सरकार को यही उम्मीद थी कि इस बार बहुत संख्या आएगी, उसने क्राउड मैनेजमेंट के लिए नंबर फिक्स किया था, लेकिन जो रजिस्टर्ड लोग हैं वो तो 14,000-15,000 दे रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं यानी उत्तराखंड के लोग हैं जिनका कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है क्योंकि उन्होंने कोई बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, उन्होंने कोई हेली सर्विस के लिए बुकिंग नहीं करवाई है, उसके कारण वो संख्या बढ़ जा रही है। और अब धीरे धीरे जिस तरीके से महानिदेशक पुलिस ने कहा है कि धीरे धीरे सारी चीजों को समझा जाएगा और उसको फिर दुरुस्त भी किया जाएगा, और जब चार धाम खुल जाएंगे तो भीड़ डाइवर्ट भी हो जाएगी।
क्योंकि अभी तक आज तक बद्रीनाथ धाम के कपाट नहीं खुले थे, तो मैक्सिमम लोग केदारनाथ जाना चाहते थे। हालांकि जो अव्यवस्थाएं शुरुआती दौर में आती हैं, नेटवर्क की प्रॉब्लम, बिजली की प्रॉब्लम या पानी की प्रॉब्लम, वो लोगों को नजर आई है और उसका सामना लोगों को करना पड़ा है। लेकिन ये एक कह सकते हैं कि टोपोग्राफिक भी इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, क्योंकि अभी तक अगर मैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की बात करूं, एक महीने पहले तक ये चारों धाम स्नो कवर्ड थे, तो उस स्पीड में काम नहीं हो पा रहा था, वहां सुविधाओं को रिस्टोर नहीं किया जा रहा था जो होना चाहिए था, क्योंकि बर्फ में काम करना आसान नहीं होता है। और हर वर्ष होता है ऐसा कि शुरुआती एक हफ्ते में थोड़ा सा पैनिक होता है, लेकिन एक हफ्ते बाद सारी चीजें स्मूथ हो जाती है और यात्रा सुचारू ढंग से चलती रहती है। जी, बहुत शुक्रिया ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के।